हाँ, तो देखो जब नॉर्थ गिर रहा था उसके ऊपर तो नॉर्थ बना लेता है, रिपेल करने लगता है वो। जब क्रॉस करके निकल जाता है अब नीचे गिर रहा है, अब वो अटैक करने लगेगा। मतलब पास आ रहा है तो रिपेल कर रहा है, और दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ही हो रहा है, दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है। अर्गोडिंग दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है लाइक दिस वे। अर्गोडिंग तो पास जा रहा है, आ रहा है तो रिपेल कर रहा है, दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है। ये बात क्लियर हुआ सबको? कॉम्पिटेंस फर्स्ट एग्जाम्पल, तो मैं दो तीन एग्जाम्पल और लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये सब आ सकते हैं एग्जाम्स वगैरह में। कॉम्पिटेंस फर्स्ट एग्जाम्पल, हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। दूसरा वाला डायग्राम भी कॉपी कर लो। डन सर। ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल, ये सब मतलब यूज वाले एग्जांपल सर। सेकंड एग्जांपल, अगर सपोज कर लो कि मैं कुछ ऐसा फॉइल ले रहा हूं, ऐसा दिस लाइक दिस वे हियर, ये कॉइल ओपन है हाँ, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। क्रॉस मतलब इट इज गोइंग इनटू द पेज, आपको मालूम है इनटू पेज। ठीक है,
एक रॉड जो है वो आप देयर इज अ रॉड और रॉड को आप राइट की तरफ मूव कर लो, तो आप देखो ये लेफ्ट पार्ट जो देखो लूप जैसा दिख रहा है, इसका मतलब रॉड के लेफ्ट की तरफ देखो लूप बन रहा है। तो जब रॉड को तुम राइट की तरफ मूव करोगे ना, तो इसके लूप में करंट इंड्यूस हो जाएगा, लूप मतलब लेफ्ट वाला पार्ट। लेकिन सवाल उठता है कि फिर करंट कैसे इंड्यूस होगा? देखो जब रॉड को तुम राइट तरफ ले जा रहे हो तो हो क्या रहा है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बढ़ती जा रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बढ़ती जा रही है लूप में, दिस इज लूप, मैग्नेटिक एरिया बढ़ रहा है। देखो व्हेन रॉड मूव टुवर्ड्स राइट ठीक है, तो लेट्स से लूप है ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ लूप ए बी सी डी इंक्रीजेस, एरिया बढ़ेगा बेटा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, बी ए कॉस थीटा, तो एरिया बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज डी फाई बाई डी टू। लेकिन ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करेगा, ये कैसे अपोज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो ये अपना करंट इस तरह से बनाएगा, लुकिए ये अपना करंट इस तरह से बनाएगा, लुकिए आप कहेंगे ऐसा क्यों बनाएगा सर, क्या जरूरत है उसको ऐसा बनाने की, क्योंकि वो अपोज करेगा, अपोज क्यों करेगा, देखो क्योंकि जब बढ़ रहा है तो अपोज करेगा, इट विल अपोज, इट विल अपोज ना, अपोज कैसे कर रहा है, आप कहीं से अपोज कैसे कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा अपोज कैसे कर रहा है, तो लुक हियर अपोज वो इस तरह से कर रहा है, मैं डायग्राम ड्रॉ करके इधर दिखाता हूं अपोज कैसे कर रहा है, हाँ जस्ट अ मिनट बेटा, अरे यार पढ़ नहीं रहा ठीक से, रुको मैं ठीक से बनाता हूँ, पुश ही करता हूँ ठीक है, कौन सा, अरे ये वाला रूल लगा था ना बेटा, ये वाला रूल लगा है, देखो इसका करंट कैसे बन रहा है, इसका करंट इस तरह से बन रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर, अच्छा ये जो अपना ये जो आई है ना इधर, ये रूल यहां पे अप्लाई करो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, ये रूल यहां पे अप्लाई करो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, राइट हैंड रूल अप्लाई करो तो किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बोलिए बेटा ये लूप में ये राइट हैंड रूल अप्लाई करो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, मतलब आउट ऑफ स्क्रीन, आउट ऑफ स्क्रीन ना, आउट ऑफ स्क्रीन, जबकि एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द स्क्रीन, तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्क्रीन है, लेकिन ये वाली जो है ना ये वाली आउट ऑफ स्क्रीन आ रहा है, दिस विल बी आउट ऑफ स्क्रीन, अगर ये यहां पे अप्लाई करेंगे ना ये राइट हैंड रूल, हम बाहर की तरफ आएगा, इसका मतलब वो ये करंट क्या कर रहा है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट कर रहा है, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है और ये एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और ये वाली किधर आ रही है, आउट ऑफ पेज आ रही है, दोनों अपोजिट आ रही है कि नहीं, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर जा रही है, जबकि ये राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो बाहर की तरफ आ रही है,
अपोज कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर रॉड को अंदर की तरफ मूव करते तो जैसे ये, अगर रॉड को नहीं, पहले ये बताओ ये समझाया हमने क्या समझाया, करंट एंटी क्लॉकवाइज क्यों बना, क्योंकि थंब बाहर आना है, थंब को बाहर क्यों आना है, क्योंकि अपोज करना है, अपोज क्यों करना है, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है तो इट विल अपोज। अच्छा, अगर रॉड अंदर की तरफ जा रहा होता तब जैसे ठीक है, यहां पर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है इधर क्रॉस, मतलब इन टू पेज, इन टू पेज अब अगर सपोज कर लो ये रॉड अंदर की तरफ जा रही होती दो लाइक दिस वे, स्लाइडिंग वो स्लाइड कर रही। अब रॉड को अगर लेफ्ट की तरफ स्लाइड करोगे तो क्या होगा, एरिया ए जो ए बी सी डी एरिया था ना, ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ लूप ए बी सी डी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स क्या है, दैट इज बी ए कॉस थीटा, वो भी डिक्रीज करने लगेगा, वो डिक्रीज करेगा तो ये में रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इंड्यूस इस तरह से होगा कि उसको अपोज करेगा। देखो जब पहले वाले में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, दूसरे वाले में फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एरिया कम हो रहा है, जब इंक्रीज हो रहा था तो अपोज करेगा और जब डिक्रीज हो रहा है तो सपोर्ट करेगा, अब करंट ऐसे बनाएगा। आप कहेंगे सर ये क्यों, क्योंकि अब वो सपोर्ट करेगा। अब अगर ये वाला रूल यहां पे अप्लाई करो तो राइट हैंड वाला रूल जो है यहां पे अप्लाई करोगे तो व्हाट विल हैपन, अब थंब किधर जा रहा है, ये राइट हैंड वाला रूल इसमें अप्लाई करोगे तो क्या होगा, थंब किधर जा रहा है। बेटा एक काम करो, देसी है, आप कंफ्यूज मत हो, ये वाला रूल एक बार इसमें अप्लाई करो, एक बार इसमें अप्लाई करो, तुम्हें पहले वाले में थंब किधर जा रहा है और दूसरे वाले में थंब किधर जा रहा है, बोलिए। मैं बाहर और अब भी अंदर जा रहा, हाँ पहले में बाहर आ रहा था दूसरे में अंदर जा रहा है, क्योंकि पहले में अपोज कर रहा था दूसरे में सपोर्ट कर रहा है, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आएगा दूसरे वाले केस में, तो पहले वाले केस में अपोज कैसे कर रहा था, अपोज इसलिए कर रहा था कि वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा था, अपोज कर रहा था, लेकिन दूसरे वाले में क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है तो सपोर्ट कर रहा है, अब सपोर्ट करेगा, मतलब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इट विल अपोज और फ्लक्स डिक्रीज करेगा इट विल सपोर्ट, मतलब ये वैसे ही हो गया, मतलब अगर तुम जैसे फ्लक्स अगर बढ़ा रहा तो अपोज करेगा, फ्लक्स कम करोगे तो फिर सपोर्ट करने लगेगा, ऐसा हो गया उसके साथ। तो पहले वाले में थंब बाहर क्यों आ रहा था, क्योंकि अपोज कर रहा था एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन दूसरे वाले केस में क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है तो वो सपोर्ट को कर रहा था, फिर अपनी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बना लेता है। अरे तो हमेशा ध्यान रखना, जब फ्लक्स बढ़ेगा तो अपोज करता है और जब फ्लक्स कम होता है तो सपोर्ट करने पर आ जाता है। ये इसका तरीका होता है बेसिकली, ठीक है। तो जहां तुमने फ्लक्स बढ़ाया अपोज करना स्टार्ट किया, जहां फ्लक्स कम करना स्टार्ट किया तो सपोर्ट पे आ जाएगा। इट्स लाइक दिस, आर गोइंग दिस टू डायग्राम्स कि करंट इसमें ऐसे क्यों बना, इसमें करंट ऐसे क्यों आया, पहले वाले में अपोज कर रहा है दूसरे वाले में सपोर्ट कर रहा है, अब मैं सपोर्ट करेंगे दूसरे वाले में क्योंकि कम हो रहा है, कम होगा तो मैं सपोर्ट करूंगा, अगर ज्यादा होगा तो मैं अपोज करूंगा। Are you getting both the cases? Samjha aap log? Yes sir. Yes sir.
डन सर। अब आता है इमोशनल, ये बात ध्यान रखना इमोशनल ही है। एक सेकेंड, इमोशनल ईएमएफ, ठीक है ना, इमोशनल ईएमएफ। फिर से सेम डायग्राम लेते हैं, यहां पे एक लूप है, यहां पे एक लूप लेते हैं हम लोग, इट्स लाइक दिस वे। अब ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझने की कोशिश करो। यहां पे एक लूप है, इट्स लाइक एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना देते, एक रॉड इसके ऊपर है और वो उसके ऊपर स्लाइड कर रही है, ठीक है। दिस इज लेट इट नेम इट प्रॉपर, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। रॉड इज स्लाइडिंग ओवर इट विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं हम लोग। क्रॉस मतलब इनटू पेज, पेज के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, स्प्रेड है पूरा। पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है इन टू पेज, ठीक है। तो जैसे इस रॉड को आप इसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से इस रॉड का लेंथ हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से एल, एल ले लेते हैं लेंथ ऑफ द रॉड, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स। जब रॉड इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है तो पहले तो एरिया, ये जो लूप है, दिस इज अ लूप, ये लूप बन रहा है, ये लूप है, तो जैसे ही आप रॉड को इसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं तो व्हाट विल एरिया क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एल इनटू एक्स, एरिया इंक्रीज कर रहा है, एरिया इंक्रीजेस क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ दी जाएगी, हाँ एक्स की वैल्यू बढ़ दी जाएगी, सो फ्लक्स क्या हो जाएगा, दैट इज फ्लक्स बी इनटू ए। तो ये एरिया की वैल्यू यहां पे लाके रख दीजिए आप, उसमें क्या है एरिया की वैल्यू इधर लाके रख दीजिए, तो ये हो जाएगा दैट इज बी एल एक्स। ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ई क्या होता है, दैट इज मॉड ले लेते हैं, माइनस नहीं लगाते हैं, डी फाइव बाय डी टी, ये फाई की वैल्यू लाके इधर रख दो, हाँ फाई की वैल्यू लाके रख दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, दैट इज इक्वल डी फाइव बाय डी टी इज इक्वल टू डी वाई डी टी बी एल एक्स, बी और एल बाहर चला जाएगा,
dx by dt, dx by dt क्या बन जाएगा? velocity, हम लोग पढ़ चुके kinematics में, ये बन जाएगा velocity, तो e का formula क्या आ गया? ये बन जाएगा blv, तो ये बन जाएगा bvl, ये velocity है, ये बन जाएगा bvl, ये formula कैसे आया? समझ में आया ना? ये जो है ना, देखो ध्यान से देखो, ये जो तुम रॉड को मूव कर रहे हो ना, तो ये पूरा एक इस तरह से बिहेव करेगा, इट इज सिमिलर टू लाइक दिस वे, ये एक एक्सटर्नल, यहां पे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आ जाएगा, और जो रॉड है वो एक सेल की तरह बिहेव करेगा, और उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? दैट इज बीवीएल, और करंट इस तरह से फ्लो करेगा, करंट क्योंकि वो बाहर जा रहा है, ब्लू एरिया बढ़ रहा है, तो वो उसको अपोज करेगा, तो करंट विल फ्लो लाइक दिस वे, करंट इस तरह से फ्लो करेगा, करंट इस तरह से फ्लो करेगा क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है, तो पूरा जो ये जो रॉड को स्लाइड कर रहा हो और ये जो वायर का लूप का, ये एक सर्किट की तरह काम करने लगेगा, ये एक सर्किट की तरह काम करेगा, तो ये दोनों सिमिलर होंगे बिल्कुल। अच्छा करंट चाहिए, करंट चाहिए तो ओम्स लॉ अप्लाई कर दो, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ओम्स लॉ, E क्या हो जाएगा? दैट इज BVL अपॉन R, तो आपको करंट भी मिल जाएगा ऐसे, तो न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। अच्छा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज कर लो, अगर यहाँ पे सेल का सपोज कर लो, अगर ऐसा हो तो ठीक है, अगर उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो, सपोज को रॉड के अंदर भी तो रेजिस्टेंस हो सकता है स्मॉल r, तब हमारा फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, और करके लिख देता हूं मैं, और I इज इक्वल टू BVL अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल R, तो जो रॉड है ना वो एक सेल की तरह काम करेगा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके कम ऑन दिस वन, ये समझ में आया कुछ आपको? जस्ट कॉपी इट, आज इतने ही करिए, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आपका केमिस्ट्री वाला पहला लेक्चर कितने बजे खत्म होता है? 3:30 को रखा है। नहीं, अच्छा आप मॉर्निंग में लेक्चर नहीं होता आपका? हाँ सर।
ओके।